Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, introduction to bioenergetics आपने देखा और आज का लेक्चर वो सिर्फ दो बातों के ऊपर होगा. वो दो बातें इंतहाई लाजमी हैं. फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करूंगा. द फर्स्ट फेज ऑफ बायोएनर्जेटिक्स फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करेंगे और इसका ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे. यहां से बच्चे आपको ये बात क्लियर होगी कि कहां ऑक्सीडेशन हो रही है, कहां रिडक्शन हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा बाय प्रोडक्ट है, कौन सा रिएक्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है. ये सारी एनालिसिस आपकी फोटोसिंथेसिस के ओवरऑल रिएक्शन के ऊपर होना लाजमी है अगर आप फोटोसिंथेसिस को समझना चाहते हैं. मेरे साथ रहिएगा आखिर तक. आपने इसको देखना है और आपने कंसेप्ट्स यहां से क्लियर करने. डिफाइन करते हैं फोटोसिंथेसिस को और फिर आगे बढ़ेंगे. फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या है? आपने एक डेफिनेशन बच्चे रट्टा की हुई है और मैं थोड़ी सी इसको मॉडिफाई करके, बल्कि ऐसा एक डेफिनेशन जो प्रॉपर कंप्लीट डेफिनेशन हो. तो याद रखें, फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स prepare their food by using, किस चीज को यूज करेंगे और करना है आपने, by using कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इन दो चीजों को यूज करेंगे. कैसे यूज करेंगे भाई, गौर से देखिए, शाबाश. इन द प्रेजेंस ऑफ दो चीजें, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या आप डायरेक्ट लाइट भी लिख सकते हैं, एंड फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स. बस ये इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन. द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स. क्लियर हो गई बात. इस डेफिनेशन में बच्चे अगर आप देखें तो चार चीजें आपके सामने आई हैं. कौन कौन सी है, इधर देखिए शाबाश. कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर, दो चीजें हो गई है. दे आर द रिएक्टेंट. फिर सनलाइट एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. याद रखिएगा, इन चारों में अगर एक भी चीज कम हो या ना हो तो इससे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होगा. क्लियर हो गया ये कंसेप्ट. चले जी, गौर से देखिएगा तवज्जो से. अब इस डेफिनेशन को लेके मैं इधर ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा और बात उस पर करेंगे. गौर से देखें, पहले रिएक्शन लिख लेता हूं. सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटर इनटू द रिएक्शन अलोंग विद 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. और ये आपको क्या दे रहा है, ये दे रहा है जनाब C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एज अ रीजनरेटेड प्रोडक्ट, और साथ में ये आपको देगा 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एज अ बाय प्रोडक्ट. ये ओवरऑल रिएक्शन है बच्चे फोटोसिंथेसिस का. गौर करें, अच्छा बिल्कुल तवज्जो से आपने देखना है, इसको सीखना है. अब इस रिएक्शन में क्या कुछ होगा, ये डेफिनेशन तो आपने देखी रिक्वायरमेंट के लिहाज से कि कार्बन डाइऑक्साइड ये कहां से आएगा, ये एनवायरमेंट से आ रहा है, या अगर कंपनसेशन पॉइंट है, अभी समझाऊंगा कंपनसेशन पॉइंट किसको कहते हैं, बल्कि इससे पहले लेक्चर में शायद मैं कर चुका हूं कंपनसेशन पॉइंट. कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रहा है, अगर कंपनसेशन है तो रिस्पायरेशन से आ रहा है, अगर कंपनसेशन ड्रॉप है तो एनवायरमेंट से आ रहा है, मोस्टली एनवायरमेंट से आता है. वाटर कहां से आएगा, ये सॉइल से आ रहा है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो रही है रूट्स की मदद से. लाइट हमारे पास मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो कि लाइट के वेवलेंथ को किसी स्पेसिफाइड पोर्शन को एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट करते हैं. क्लियर हो गया ये कंसेप्ट. इन चार चीजों को डिटेल से वन बाय वन हम आगे सीरीज ऑफ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. आज का लेक्चर मैंने पहले कहा दो चीजों पे है, डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस जो आपने देखी एंड ओवरऑल रिएक्शन. अब इस रिएक्शन में क्या हुआ, इधर मेरी बात गौर से सुने. इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये इनऑर्गेनिक है. क्या है भाई, इनऑर्गेनिक है. अगर आप इस कार्बन डाइऑक्साइड को देखें एनर्जी के लिहाज से, ये एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल है. क्या है,
एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल है, और मैं ये भी लिख सकता हूं कि ये ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कार्बन है। क्या है भाई? ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कार्बन है, हम लिख सकते हैं ठीक है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कार्बन है इस रिएक्शन में। अब जरा गौर से देखें, इसकी कन्वर्जन होगी, फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें कन्वर्जन यहां होगी, किस चीज में, तवज्जो से देखें, इनऑर्गेनिक की कन्वर्जन हो गई है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल की कन्वर्जन हो गई है हमारे पास एनर्जी रिच मॉलिक्यूल में, ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कार्बन कन्वर्ट हो गया है रिड्यूस फॉर्म ऑफ कार्बन में। यहां से एक एमसीक्यू निकालूंगा, गौर से देखें, इस ऑक्सीडाइज फॉर्म को रिड्यूस कौन कर रहा है? तो ये जो वाटर आपके पास है, इसको आपने याद करना है कि ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है, इसमें आपको हाइड्रोजन मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इसका ये हाइड्रोजन कंबाइन होके ये क्या बनाएगा, ये बना देगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इन तीन पॉइंट्स को याद कर ले और इन तीन पॉइंट्स की यहां कन्वर्जन कर ले आप, तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में ये हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है। अब मेरी बात सुनेंगे आप गौर से, तवज्जो से देखना है, पॉइंट दे रहा हूं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, ठीक है ना? फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। भाई सारे एमसीक्यू है, गौर से देखिए, ये जो हमारे पास वाटर है यहां ऑक्सीडेशन होगी और इससे ये बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन बन जाएगा। अब यहां अगर आप इसको तवज्जो से देखें, ये दो प्रोसेसेस यहां पे हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसलिए हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रेडॉक्स है। क्या है? रेडॉक्स है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और साथ में क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रही है। अब जरा गौर से देखें, शाबाश, ये दो रिएक्टेंट्स है, क्या है, रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है। अच्छा, इनको अगर मैं देखूं तो इस ग्लूकोज को मैं लिखूंगा द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इस वाटर को मैं लिखूंगा रीजनरेटेड प्रोडक्ट, ये रीजनरेट हो गया ना यहां पे, और ये ऑक्सीजन को मैं लिखूंगा द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये इस रिएक्शन की कंप्लीट एनालिसिस, इस ओवरऑल रिएक्शन की वजह ये कंप्लीट एनालिसिस है। डेफिनेशन और रिएक्शन को पहले आप सीख लें, तो फिर इसके बाद हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लेक्चर्स का, उसमें पहले पढ़ेंगे रोल ऑफ द सनलाइट, सनलाइट में हम कवर करेंगे लाइट का कौन कौन सा पोर्शन है, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के दरमियान जो विजिबल पोर्शन है उस विजिबल पोर्शन को डिस्कस करेंगे, 390 टू 760 नैनोमीटर या 380 टू 790 नैनोमीटर जो विजिबल रेंज है उसको डिस्कस करेंगे, उसमें विबग्यार का फार्मूला देखेंगे, 7 डिफरेंट कलर्स वेवलेंथ के लिहाज से, उसकी एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लाइट के रोल को डिस्कस करेंगे, लाइट की वेवलेंथ्स की बात करेंगे और उसकी एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे ग्राफ बनाएंगे, तो एक डिटेल्ड लेक्चर इसके ऊपर होगा। फिर एक लेक्चर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रोल के ऊपर होगा इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड देन अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है, कौन से टाइप से, क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड एटसेट्रा, फिर फोटोसिस्टम, फिर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, यू आपको फोटोसिंथेसिस खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर रिस्पायरेशन की तरफ आएंगे, ठीक है? तो दिस वाज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द ओवरऑल रिएक्शन। ये जो एनालिसिस की है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनर्जी पुअर, रिच, बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रीजनरेटेड, ये सारी चीजें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है और फोटोसिंथेसिस को सीखने के लिए ये कंसेप्ट इंतहाई लाजमी है। मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ, डिस्कशन होगी हमारी सनलाइट के ऊपर, उसके वेवलेंथ्स के ऊपर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, अल्लाह हाफिज़।